वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में संबंध कैसे होता है। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये फार्मूला बताया था कि ns इजकल टू 120 इंटू एफ अपान पी, इससे हम सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिगर दिए हैं कि एक चार पोल का हमारे पास कोई मोटर है तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये फार्मूला हमने प्रयोग किया था कि ns इजकल टू 120 इंटू एफ अपान पी, तो इसका rpm इस फार्मूले के अनुसार 1500 आया था। अब इसी को अगर हम जनरेट करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन emf से क्या है ये हमको समझना है। इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट प्रियांशु है, उसका स्टेटमेंट आया, कमेंट आया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये 1500 आया, ये rpm होता है। rpm का पूरा नाम है राउंड पर मिनट। इस तरीके से अगर हम 1500 rpm को समझें तो यहाँ हम देखते हैं कि एक मिनट में 1500 rpm या 60 सेकंड में 1500 rpm राउंड। तो 60 सेकंड में जब 1500 राउंड होता है तो एक सेकंड में कितना राउंड होगा, तो यहाँ आ गया हमारा 25 राउंड। समझना ये था कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज से रिलेशन क्या है। तो f इजकल टू 1/T जनरली तौर पर हमारा एक जो है फार्मूला है, इससे हम समझ लेते हैं। ये हमारा हर्ट्स में होता है, तो यहाँ आ गया 25 हर्ट्स। अगर हम इस rpm को निकालें, इस rpm 1500 rpm को अगर हम हर्ट्स में बदलें, तो हम साधारण तौर पर देख रहे हैं कि f इजकल टू 1/T से ये हो जाएगा हमारा 25 हर्ट्स, क्योंकि एक सेकेंड में ये जो फ्रिक्वेंसी होता है, ये एक सेकेंड में आवर्तकाल जिसको बोलते हैं, यानी एक सेकेंड में कितना चक्कर हुआ उसी को हम आवर्तकाल बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम 25 राउंड निकला, जबकि हम जानते हैं कि हमारे जो परिवेश में छोटे बड़े जनरेटर जो भी होते हैं वो चार पोल में बैंडिंग किए जाते हैं, चार पोल के होते हैं, और उनका स्पीड 1500 rpm रखा जाता है। तो हम इसको टैली करा के देखते हैं कि जब 1500 rpm पर कोई जनरेटर घूम रहा है और उसके पोलों की संख्या चार है, तो 50 हर्ट्ज कैसे बनता है, क्योंकि हमारा इंडिया का मानक जो है 50 हर्ट्ज है, और हमारे इंडिया में सारी मशीनें जो बनाई गई हैं वो 50 हर्ट्ज के लिए बनाई गई हैं। तो इस तरीके से देखें, तो हमने यहाँ पे एक मिनट में 1500 राउंड हुआ, तो एक सेकंड में 25 राउंड हुआ। अब ये 25 राउंड को हम कैसे जानेंगे कि ये 50 हर्ट्ज हुआ, तो एफ इजकल टू 1/T से हम अगर सीधा सीधा इसका हिसाब निकालें तो हमारा 25 हर्ट्ज ही हो रहा है। यहाँ समझने की बात यह है कि जो हमारा अगर जनरेटर है तो ये चार पोलों में बैंडिंग किया गया है। अगर मैग्नेट के अनुसार हम एक साइकिल को सर्च करें कि हमारी साइकिल कब पूरा होती है, तो इसके हिसाब से हम देखें तो हम एसी का एक ग्राफ बनाते हैं जो इस तरीके से होता है, और ये एक साइकिल पूरी बताई जाती है। अब ये इतना राउंड करने में जितना समय लगता है वही कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये एक ग्राफ के अनुसार अगर हम समझें तो ये देखते हैं, तो इसको हम समझें कि ये जो सेंटर से ऊपर का भाग गया हुआ है ये एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दूसरा ये मैग्नेटिक। अगर हम मान लें कि ऊपर वाला साउथ पोल में जब था तब ये ग्राफ बना, और ये जब नॉर्थ पोल में था तब ये ग्राफ बना, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्थ और एक साउथ से लेकर हमारा एक साइकिल पूरा हो जाता है, एक साइकिल पूरा हो जाता है जिसको हम हर्ट्ज में समझते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चूंकि चार पोल हैं, चार पोल में देखा जाए तो 2N और 2S होते हैं, 2N और 2S। यहाँ आप समझ रहे होंगे ये चार पोल में हमने बनाया, तो ये N और ये N, यहाँ S और यहाँ S, यानी अगर एक N और एक S को हम एक पेयर लें, क्योंकि एक N और एक S पर हमारी एक साइकिल पूरी हो जाती है, तो हमको यहाँ कहना पड़ेगा कि ये दो पेयर है, दो पेयर। तो एक पेयर पर हमारा निकल के आ गया 25 हर्ट्ज
तो दो पेयर पर हम इसको कह सकते हैं 25 गुना 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारा 50 हर्ट्ज कैसे पूरा होता है। इसी तरीके से अब हम ये जानना चाहें कि फ्रीक्वेंसी के अनुसार वोल्टेज का निर्माण कैसे होता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है और कई बातों पर ये डिपेंड हो जाता है। और इसका एक अगर हम फार्मूला बताना चाहें तो हम फार्मूला ये इसका एक लिख सकते हैं कि ई ए भी ई लिखते हैं एवरेज, क्योंकि जो हमारा एक वोल्टेज है वो रूट मीन स्क्वायर में भी जाता है और एवरेज में भी जाता है। तो ये पॉइंट जो होता है ये पीक होता है और ये जीरो होता है। इन दोनों के बीच का जो एवरेज निकालते हैं वो हमारा एवरेज होता है। तो अगर एवरेज पर हम जाएं तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 4.44 फाई एफ टी के पी के डी। इतना अगर हम निकाल पाएंगे तब हम इसको इसका ईएमएफ निकाल पाते हैं। क्यों? ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का मान होता है वोल्टेज में। वोल्टेज के लिए जरूरी है कि जब हम किसी अल्टरनेटर की बाइंडिंग करते हैं तो चालकों की संख्या, यहाँ चालकों की संख्या भी इसमें ऐड होता है। सिर्फ जो है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज से बात ख़त्म नहीं हो जाती है। जब हम वोल्टेज निकालने चलते हैं तो उसमें पिच की संख्या, फॉर्म फैक्टर, ये के पी क्या है ये पिच फैक्टर है, और के डी क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, उसके बाद टी जो है नंबर ऑफ टर्न है, और एफ फ्रीक्वेंसी है, और ये फाई जो है बेबर जिसको कहते हैं के फ्लक्स परिवर्तन का दर। तो अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें तो इसके लिए हमको एक नया चैप्टर और वो बड़ा वीडियो होगा, उसको भी प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों की ज़रूरत होगी उस कमेंट करिए, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि समझाएंगे, लेकिन वो कई वीडियो में समझ पाएंगे। तो लेकिन इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में ऐसा रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। क्यों? कि अगर हम एक साइकिल पूरा करने में, यहाँ पे अगर हम समझें, यहाँ से ये एक चक्कर पूरा करने में 2 सेकेंड लगता हो और उसकी चाल हम इतना कर दें कि यही एक चक्कर पूरा होने में 1 सेकेंड लगता है, तो इस समय क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। यानी कि अगर ओवरऑल समझना हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आज हमारे डेट में, हमारे यहाँ अपडेट में दो मेथड है। एक फ्रीक्वेंसी जो है हम मैन्युअली बढ़ाते हैं, मैन्युअली उसको कहते हैं कि अगर एक जनरेटर चल रहा है तो उसके चाल को बढ़ा देना अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बराबर होती है, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक में हम जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो वो ट्रांजिस्टर, पीएफ और कैपेसिटर के माध्यम से हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा घटा लेते हैं। तो मैन्युअली में, अभी हम जनरेटर की बात कर रहे थे, तो मैन्युअली में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो सीधा हम ये समझ लेंगे कि उस अल्टरनेटर की चाल को बढ़ा देना, अल्टरनेटर को जिस सोर्स से भी हम चला रहे हैं उसकी स्पीड को, उसके आरपीएम को बढ़ा देना उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने के बराबर होती है। धन्यवाद। अगर ना समझ में आया हो तो फिर कमेंट करिए और हम उसका जो है वीडियो बना के डालेंगे।